हेलो डियर स्टूडेंट, आई एम परमेश कुमार। आई विल टीच सब्जेक्ट SST क्लास 6th, चैप्टर 1st, अर्थ एंड द सोलर सिस्टम, पृथ्वी और सौरमंडल। जैसा कि इस चैप्टर से हमने आपको अभ्यास कार्य कराना प्रारंभ किया है, तो आज भी आप सभी को अभ्यास कार मतलब एक्सरसाइज क्वेश्चन हम करा रहे हैं। आप सभी लोग अपनी नोटबुक कॉपी में नोट करेंगे साफ साफ और लर्न करेंगे। तो आज का क्वेश्चन 6 है, ए पार्ट का। नेम अ सीरीज ऑफ इंडियन सैटेलाइट्स यूज्ड फॉर वेदर फॉरकास्टिंग, कम्युनिकेशन एंड टीवी ब्रॉडकास्टिंग। जैसा कि हमने बताया कि भारतीय उपग्रह मौसम और पूर्वा अनुमान, संचार और टीवी प्रसारण के बारे में जो सीरीज का प्रयोग करता है, जिसकी सहायता से लॉन्च करता है, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है INSAT, इनसैट यूनिट, जो इसरो द्वारा लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच सेलेस्टियल बॉडी वाज अर्लियर कंसीडर्ड अ प्लैनेट बट इज नाउ कंसीडर्ड अ ड्रॉप प्लैनेट। मतलब वो खगोलीय पिंड कौन सा है जो अर्लियर कंसीडर्ड अ प्लैनेट, ग्रहों से अलग किया गया है और वो छोटे प्लैनेट के नाम से, छोटे ग्रह के नाम से, अर्थात बौने ग्रह के नाम से जाना जाता है। उसका नाम है प्लेट्यू। क्वेश्चन नंबर 8 है, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ कॉमेट। कॉमेट का कोई भी एक उदाहरण दीजिए। तो कॉमेट का उदाहरण है हीली कॉमेट, जिसे हेलियास कॉमेट कहते हैं। तो हेलियास कॉमेट जो 76 ईयर्स के बाद आता है। क्वेश्चन नंबर बी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन नॉट मोर देन 20 वर्ड्स। 20 शब्दों से अधिक नहीं होना चाहिए इसका आंसर। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें आता है, व्हाट इज अ कॉन्स्टिलेशन। तो इसका आंसर लिखेंगे, कॉन्स्टिलेशन ग्रुप ऑफ स्टार्स फॉर्मिंग अ डेफिनेट पैटर्न। क्वेश्चन नंबर 2 आता है, व्हाट इज अ गैलेक्सी। गैलेक्सी क्या है? आंसर देंगे गैलेक्सी, हेडिंग लिखेंगे गैलेक्सी, डैश करके लिखेंगे, मिलियंस ऑफ स्टार्स विश टूगेदर फ्रॉम अ ग्रुप आर कॉल्ड गैलेक्सी। तो इस प्रकार आप सभी लोग जो है अपनी नोटबुक कॉपी में चैप्टर 1st के ये सभी क्वेश्चन नोट करेंगे।